आज हम लोग विज्ञान के प्रयोग करेंगे और उसका नाम है कौन ज्यादा घुला। हमारे पास क्या है, दो गिलास पानी है, पानी समान मात्रा में, और एक प्लेट में शक्कर है और एक प्लेट में नमक है। हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक चम्मच पानी को एक चम्मच शक्कर लेंगे और पानी में घोलेंगे, और एक चम्मच नमक लेंगे और पानी में घोलेंगे, और यह क्रिया बार बार करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि नमक या शक्कर पानी में घुलना बंद नहीं हो जाती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चम्मच बराबर लेंगे ना, एक चम्मच शक्कर लेंगे और एक चम्मच नमक लेंगे और इसे घोलेंगे हम। तो इस क्रिया को हम बार बार करेंगे जब तक कि नमक और शक्कर पानी में घुलना बंद नहीं हो जाता है। चम्मच हम पानी में शक्कर मिला दिए हैं। अब देखते हैं 6 चम्मच पानी में शक्कर मिलाने के बाद क्या होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब पूरे की पूरी 6 चम्मच शक्कर पानी में घुल गई है। अब हम नमक को देखते हैं, तो नमक पानी में अब नहीं घुल रहा है। 6 चम्मच नमक डालने के बाद नमक पानी में अब नहीं घुल रहा है। तो 6 चम्मच शक्कर घुल गई है, तो 6 चम्मच नमक अब पानी में नहीं घुल रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि 6 चम्मच शक्कर पानी में आसानी से घुल जा रही है, और हम 6 चम्मच नमक पानी में घोलेंगे तो नमक नीचे में बैठ जा रहा है, मतलब शक्कर ज़्यादा घुल रही है। अब हमने कंडीशन बदल दिया है। कंडीशन ये बदला है कि हमारा जो शक्कर पानी सेम है, लेकिन जो नमक पानी था, नमक पानी को हमने गर्म कर दिया। गर्म करने से हमने ये देखा है कि जो नमक था, जो नीचे में नमक बैठ रहा था, अब इसमें नमक नहीं है। तो अब हम इस क्रिया को फिर करेंगे। फिर से हम एक एक चम्मच शक्कर डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे, और देखते हैं कि फिर से पानी शक्कर पानी ठंडा है और गर्म, और नमक पानी गर्म है, तो नमक कितना घुलता है और शक्कर कितना घुलता है। हमने 8 चम्मच शक्कर पानी में घोल दी, और घोलने के बाद हम देखते हैं कि पानी में नाम मात्र की शक्कर है, मतलब शक्कर घुल जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम नमक देखते हैं। हमने पानी को गर्म किया हुआ है, इसके बावजूद भी गर्म पानी में भी नमक नहीं घुल रहा है, मतलब 8 चम्मच शक्कर आसानी से ठंडे पानी में घुल जा रही है और 8 चम्मच नमक गर्म पानी में भी नहीं घुल पा रहा है। तो हम इस प्रयोग से यह समझेंगे कि शक्कर आसानी से पानी में घुल जा रही है और नमक आसानी से पानी में नहीं घुलता है, लेकिन यदि पानी को हम गर्म करेंगे तो कुछ मात्रा में नमक और घुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नमक पानी में नहीं घुल रहा है। तो हम यही निष्कर्ष निकालते हैं।